गियर शिफ्टिंग आपको बढ़िया करना है और बढ़िया एकदम चलाना है, सबसे पहले चेन और क्लच वायर हमेशा ध्यान रखना, और कौन सा इंजन ऑयल आप यूज़ करते हो वो भी ध्यान रखना। सो व्हाट्सअप बड़ी, कैसे हो गाइस आप लोग? आई होप गाइस आप लोग मजे कर रहे होंगे, और स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुड्डू मोटो ब्लॉग। तो आज का जो कंटेंट आपने देखा, हाउ टू शिफ्ट गियर्स स्मूथली ऑन अ बाइक, तो कैसे हम अपने गियर्स कैसे अपना जो शिफ्टिंग है वो बेटर कंडीशन में कर सकते हैं और एकदम स्मूथ तरीके से। सबसे पहले आप जब भी गाइस बाइक राइड करो तो उसके पहले जैसे सर्विस वगैरह आपकी टाइमिंग एकदम प्रॉपर हो चुकी है तो चेन वगैरह हमेशा ध्यान दिया करो, क्योंकि चेन का बहुत बड़ा रोल है गाइस यहाँ पे। सबसे पहले हम गाड़ी यू टर्न लेते हैं यहाँ से। इस समय मेरा स्प्रॉकेट का कंडीशन हो चुका है ख़राब, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, लेकिन फिर भी जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, कई लोग का क्लच से बहुत बड़ा संबंध होता है, जानते हो क्या? गियर दिख रहा है, गियर डाला, देखो ये देखना, क्लच उधर छोड़ दो, इधर देखो क्लच पे हाथ रहेगा ही, ठीक, चाहे जितना चलेंगे वो क्लच पे हाथ रहेगा ही। अब ये देखो गाइस, मैंने कितना क्लच पे हाथ रखा हुआ है, ये देखो, देख रहे हो लेके कितना चल रहे हो, इतना। ये चीज़ भी मैटर करता है दोस्त मेरे बहुत, ये जान लो, ये क्लच प्लेट्स आपका फुकवा देगा दो चार छः महीना में। तो ये सबसे बड़ा पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, आप अक्सर देखते होंगे जहाँ भी आप रहते होंगे या जहाँ भी आपके ये एक्शन होना ही होना है, पहला गियर लगाए, देख लो, देखो गाइस, पहला न्यूट्रल है, अभी कैमरा रोलिंग होना, रोलिंग, पहला गियर लगा दिया, दूसरा लगा दिया, रुके रहो, दूसरा लगाया, तीसरा लगा दिया, हाँ। तो जैसे कि वो आए गाड़ी पे बैठे, उनका काम क्या है, देख रहे हो, ये देखो, ये भी एक दूसरा पॉइंट, ये भी बहुत बड़ा मैटर है। ये देखो गाड़ी आप ज़बरदस्ती उठा रहे हो, गाड़ी का इंजन जितना गियर मांगता है भैया उतना पे आप नहीं उठा रहे हो। गियर स्टार्टिंग शिफ्टिंग होती है वन से, लेकिन करते हैं ये लोग, और वो भी क्या चढ़ान पे है, तो क्या होगा भैया, क्लच प्लेट तो आपका जाना ही जाना है। अब देखो कई लोग ये भी करते हैं कि भैया हम तो स्पीड चला, हम सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं ना, ये देखिए हम स्पीड चला रहे हैं, ठीक, ये देखो, अब गाड़ी रोकना है तो क्या करेंगे, ये देखो हमने क्लच ले लिया, वो ऐसे चलते रहेंगे, क्लच दाब के चलते रहेंगे, फिर जहाँ रोकना है वहाँ रोकेंगे। तो इससे कहाँ फर्क पड़ेगा, माइलेज पे आपका असर पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जब जितना ज़्यादा आप क्लच लोगे उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा माइलेज पे, प्लेट्स पे, जो क्लच प्लेट्स हैं उस पर पड़ेगा, सब कुछ पड़ेगा। गाड़ी का प्रॉपर गियर लगाने शिफ्टिंग मैं आपको बता दूँ, देखो अभी मैंने लगाया दो नंबर, ठीक, लगाया क्लच छोड़ दिया, क्लच से कोई मतलब ही नहीं है, लगाया छोड़ दिया, देखो अभी सामने, देखो इसका दिमाग देखो क्या पता नहीं कैसे कर रहा है, हाँ देखो हम चल रहे हैं, गाड़ी को मेरे को रोकना है, हमें क्लच नहीं लेना है, अभी थोड़ा और आगे दिखाता हूँ आपको, हमें गाड़ी रोकना है, हमने ब्रेक अप्लाई किया, अब क्लच लूँगा। तो ये होता है प्रॉपर शिफ्टिंग और प्रॉपर गाड़ी रोकने का तरीका, आप जैसे समझ लो। और शिफ्टिंग का मैं बता दूँ, गाड़ी गियर डलते कैसे हैं, पट पट और एकदम स्मूथ तरीके से डालना है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला गियर डाला, क्लच छोड़ना है भैया, देखो तीन, देखो चार, देख रहे हो स्मूथ, पाँच, हालांकि वो गियर लीवर थोड़ा ज़्यादा ऊपर लगता है मेरा, इसलिए मिस हो गया, देख रहे हो। और बाकी क्लच से कोई मतलब ही नहीं है यार, क्लच से कोई मतलब नहीं है, क्या जरूरी है मेरे को हाथ इस पर रख के चलना भैया, ये है ग्रिप, ये है मुट्ठा, इस पर चलना है रख के, इधर देखो एक्सीलेटर, इधर ब्रेक, दोनों ब्रेक पैर रख रहा है हमेशा। हाँ और एक चीज़ और गाइस मैं आपको बता दूँ, कई लोग का ये भी होता है कि ये जो पैर देख रहे हो अभी हमेशा ब्रेक पे ऐसे रहता है, नहीं, आप देखो गाइस बहुत असर पड़ता है, सबसे पहले आपका पैड्स घिसते रहेंगे, घिसते रहेंगे, घिसते रहेंगे, इंजन पे जोर पड़ेगा, कई लोग तो ऐसे रख के चलाते हैं, ऐसे ऐसे, क्या समझ रहे हो, आपका पैर का वेट उस पर नहीं जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, तो ऐसे गाइस बहुत नुकसान हो जाएगा यार, समझा करो। तो जब भी आप गाड़ी जब आपको गियर गाड़ी भैया रिवर्स मतलब कि गियर भी तोड़ना है आपको, उसका भी सिस्टम देख लो आप गाइस,
चलो अभी मैं चल रहा हूँ पाँचवें गियर पे। अब गाड़ी को मेरे को जो है चौथे पे लाना है, शिफ्ट करना है चौथे गियर पे डाउन। गलत लिया, वो भी मैं बता दूँ आपको कम स्पीड में। कई लोग क्या करते हैं अभी देखोगे आप, मैं आपको डेमो के लिए कर रहा हूँ, हालांकि मैं करता नहीं, गाड़ी में खींच रहा हूँ ना, देखो अब इतना स्पीड में गाइस कभी भी गियर न तोड़े, नहीं तो आवाज सुनो। वो तो मेरा आदत हो गया इसलिए आवाज नहीं कर रहा। कई लोग क्या करते हैं इतने स्पीड में पांचों का पांचों गियर तोड़ देते हैं, पांचों का पांचों चाहे छह जितना भी गियर हो बाइक में पांचों छह गियर सब तोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ा गलत करते हैं वो लोग, सीधा स्प्रॉकेट पे असर जाता है उसका, स्प्रॉकेट पे गियर बक्सा जो शिफ्ट है खटखट चलता है उस पे असर जाता है। तो ऐसा यार बिल्कुल ना करें यार, ऐसा ये तो कोई तरीका नहीं है शिफ्ट करने का। देखो ऐसा है गाइस, मैं आपको बता दूं कि एक्सपीरियंस गाड़ी चलाने का किसका कॉल आ रहा है यार, परेशान कर दिया भैया। तो गाइस किसी का कॉल आ गया था, ये सब मेरे साथ होते रहता है यार, क्या बताए। तो हम जिस टॉपिक पे थे, तो यार देखो कभी भी गियर, हालांकि मेरा जो स्मूथली वाला टॉपिक था मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, और उसका जो मतलब बेटर तरीका से वो भी मैंने आपको बता ही दिया, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं गाइस। तो यार ये सब गलतियाँ मत करो, दो चार गलतियाँ मैंने आपको बताया, बहुत बड़ी गलती है ये, आप ये मत सोचो कि नॉर्मल है। इस प्रॉकेट चला दे कोई 33,000 गाड़ी चल चुकी है, और इतना मेंटेनेंस करने के बाद ही 33,557 चली है, नहीं तो कोई क्या बोलूँ मैं, कुछ गलत नहीं बोलना चाह रहा, चैलेंज है कोई चला के दिखा दे इतना तब जानूंगा, नहीं तो कट कट कट। अभी कट कट नहीं कर रही, लो सुनो थोड़ा बहुत है वो ऑयल देने सही जाएगा। देखो तो मैंने बता दिया आपको गाइस शिफ्टिंग का तरीका, तो यार गियर जब भी शिफ्ट करो एकदम कोई एकदम स्मूथली है यार, देख रहो देखो जैसे आपको डाउन करना है, कई लोग क्लच पकड़ेंगे गियर तोड़ेंगे फिर चलेंगे, लेकिन अपन का तरीका देखो अलग है। देखो दिखाते हैं, गाड़ी खींचा हमने इसको भी कम, अब जैसे अब देखो शिफ्ट डाउन करना है ना, यहाँ इधर का भी खेल है ब्लिप, इसको कहते हैं ब्लिप, देखना भी कैसे ब्लिप होगा, उधर भी देखना इधर भी देखना ना, देखे हल्का सा ट्विस्ट मारना है थ्रॉटल को। तो हालांकि ये एक्सपीरियंस के ऊपर है कैसे आप कर सकते हैं, और विदाउट क्लच भी भाई शिफ्टिंग करना बहुत बढ़िया तरीका है, सभी लोग करोगे तो यार देखो ऐसा है सब एक्सपीरियंस पे है, कोई भी कर सकता है कैसे भी कर सकता है, सबका अपना तरीका है। तो विदाउट शिफ्ट वो भी देख लो गाइस, गाड़ी और धीरे करते हैं। तो हम हैं तीसरे गियर पे, देखो चौथा और पांचवा। तो ये होता है कि जब आप इंजन के साथ फील करने लगोगे ना, तब आपको जो है उसका मतलब गियर से कैसे ये सब जो है एक्सपीरियंस पे है गाइस, ऐसे मैं आपको बता दूंगा तो आप सोचोगे बहुत इजी है, आप लगाओगे इंजन का रेस कब कितना पे चल रहा है और आप लगाओगे तो ये प्रॉब्लम्स हो जाएगी। और एक चीज़, ये सेफ्टी विदाउट मतलब क्लचलेस शिफ्टिंग भी गाइस आप मतलब ना ही करना तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इन सब गाड़ियों पर करना ज़्यादा ठीक नहीं है। हैवी सीसी हैं जैसे 200, मेरी पल्सर 220 है उसमें कर सकते हो आप, वो ज़्यादा मतलब कि आप करोगे तो कुछ ज़्यादा नुकसान, या ज़्यादा नुकसान तो आप जब करोगे गलत तरीके से तभी हो जाएगा, लेकिन अगर विदाउट क्लचलेस करते हो तो फिर प्रॉपर तरीका आना चाहिए तो कभी कुछ नहीं होगा। तो आई होप गाइस कुछ नॉलेजेबल आपको गया हो, मैंने जो बताया सारी बात सही ही हो, और कमेंट करके ज़रूर बताना यार जितनी भी बात मैंने बताई। तो इस वीडियो को रैप अप करते हैं, वीडियो पसंद आएगी प्लीज़ लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। गियर शिफ्टिंग आपको बढ़िया करना है और बढ़िया एकदम चलाना है, सबसे पहले चेन और क्लच वायर हमेशा ध्यान रखना, और कौन सा इंजन ऑयल आप यूज़ करते हो वो भी ध्यान रखना, ये तीन चीज़ बहुत मैटर करता है। और नुकसान और फ़ायदे तो हमने बता ही दिया, लोग कैसे बाइक चलाते हैं किस तरीके से चलाते हैं कैसे क्या करते हैं बाइक के साथ भैया, क्लच के साथ क्या हाल करते हैं, ये सब जो मैंने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो को रैप अप करते हैं दोस्तों, वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। टिल देन राइड सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के चले, मिलते हैं आपको किसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, और बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave, that's a no-go. Senoritas going loco.
better see Rojo. They Big Mac, cause they coming up short like Frodo.